जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए ना एक नजर। आज प्रेजेंट किए गए एविडेंस के बाद साफ है कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला स्वर्गीय अभिनव शर्मा की मौत के जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए ये अदालत डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को बाइज्जत बरी करती है। लो भाई मैं आ गई और आज चुगली की पोटली में सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें अभिमन्यु हो गया है बाइज्जत बरी। ये अदालत डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को बाइज्जत बरी करती है। और ये सब मुमकिन हुआ अभिमन्यु की डिफेंस लॉयर अक्षरा की वजह से। उसने कोर्ट में ऐसा सबूत पेश किया कि एक झटके में सबके सामने अभिमन्यु का सच आ गया। Your Honor, with your permission, मैं इस कोर्ट में एज एन एविडेंस एक क्लिप पेश करना चाहूंगी जिससे मेरे क्लाइंट डॉक्टर अभिमन्यु बिरला की बेगुनाही साबित हो जाएगी। अभिमन्यु बिरला ने अभिनव शर्मा को मारने नहीं बल्कि उनकी जान बचाने की कोशिश की। पर अगर आपके पास इतना ठोस सबूत था तो उसे पहले क्यों नहीं प्रेजेंट किया? क्योंकि शिफाली बिरला को खुद नहीं पता था कि उनके फोन में ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। मुझे ये फुटेज उनके पेन ड्राइव में मिला। तू कितना स्लो खेलते रोहित जी। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? भाई जी देखो ना, ये बॉयज मुझे खिला ही नहीं रहे हैं। तुझे खेलने नहीं आता रोहित जी? अरे रुको रुको, धीरे आराम से। कुछ भी हुआ वो कत्ल नहीं, हादसा था। अभिमन्यु के घर आने की खुशी तो है सबको, लेकिन अबीर की हालत देख अभिमन्यु टेंशन में आ गया है। और अब तो अभिमन्यु ने अबीर की बीमारी भी पहचान ली है। आपकी शूज़ इस खुली में बांध देता हूँ। नो, मैं बांध देती हूँ। थिंग सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो अब कहानी आगे कुछ यूं होगी कि अबीर को ठीक करते करते अक्षरा और अभिमन्यु करीब आएंगे। तुम हमेशा सही का साथ देती हो, कल भी देती थी, आज भी दिया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ पाखी ने अनुपमा के साथ बदतमीजी की है। अब ये तो आम बात है अनुपमा के लिए कि उसके बच्चे इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करते हैं। अब मेरा वाला प्रोजेक्ट अधिक से करवा लीजिए ना। He's better than me. बंद करो ये नाटक। इसने कल हाथ उठाया, फिर हाथ उठाएगा। मम्मी प्लीज, मैं आपसे लास्ट बार कह रही हूँ, लेट मी बी, मेरा घर मत तोड़िए। अरे मैं तो सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ। पाखी अपनी शादी बचाने के लिए वो सब कुछ कर रही है जो उससे ठीक लग रहा है, लेकिन अनुपमा हार नहीं मानने वाली। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालेगी और अपनी बेटी को इस रिश्ते से निकाल के ही रहेगी। तो वही शाह हाउस में माँ ने डिम्पी को उसकी ही दवाई चखाई है। घर का ये हिस्सा हमने साफ कर दिया है, वो हिस्सा बाकी है जो तुझे साफ करना है। अब डिम्पी, घर में लकीर खींचने का काम तो तुमने ही किया है, तो अब भुगतो उसका अंजाम। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ भोसले इंस्टीट्यूट के कल्चरल फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बनकर आएगी सभी की ईशा मैम। और ये देख ईशान और उसके बड़े पापा हक्के बक्के रह जाएंगे। सीरियल की हीरोइन ने जिम्मा उठाया है ईशान और उसकी माँ को मिलाने का, तो अब ऐसी चीजें तो होती ही रहेगी। पता नहीं इनके अतीत का क्या किस्सा है वो, जिसके वजह से एक माँ को अपने बच्चे से दूर जाना पड़ा। ईशान सर के मन में आपके लिए छुपी कड़वाहट है, उसे अब मैं दूर करूँगी। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के नए थ्रिलर शो कह दूँ तुम्हें की, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं मुदित नायर और युक्ति कपूर।
इस शो का प्रोमो देख के इस शो में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। विक्रांत और कीर्ति इस प्रोमो में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह से ये प्रोमो शूट किया गया है, मुझे अब बस 4 सितंबर का इंतजार है जब इस शो का पहला एपिसोड रात को 11 बजे ऑन एयर आएगा। कुछ कहा आपने? आपने अपना नाम नहीं बताया। कीर्ति। हवाओं में खुला है इश्क, पर उसमें है एक अजब सा रिस्क। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ पे हो गया है चमत्कार। साहिबा मौत के मुंह से लौट आई है और ये सब हुआ है अंगद के आंसुओं से। चलो भाई अब अच्छा हुआ, इस तरीके से भी इलाज हो सकता है ये आज हमें पता चला। अब तो लगता है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसुओं ने वो काम कर दिया है जो डॉक्टर भी नहीं कर पाए। अच्छा भाई मैं तो चली। ABP News आपको रखे आगे।